क्या बिहार में नए समीकरण तैयार हो रहे हैं? लगता तो कुछ ऐसा ही। जी हाँ, आज श्री कृष्ण जयंती समारोह में जो सदाकत आश्रम में मनाया जा रहा है, 136वीं जयंती है श्री बाबू की, और वहाँ बतौर मुख्य अतिथि लालू यादव पहुँच रहे हैं। 6 साल के बाद लालू यादव सदाकत आश्रम आज पहुंचेंगे और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता, केंद्रीय स्तर के जिसमें प्रमोद तिवारी से लेकर और मीरा कुमार तक, तमाम दिग्गज पहुंचने शुरू हो गए हैं सदाकत आश्रम में। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा हो रही है कि क्या बिहार में कहीं नया राजनीतिक समीकरण तो तैयार नहीं हो रहा है। हम आपको बता दें कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे बिहार की राजनीति ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। इसकी एक वजह है कि एक जमाने में कांग्रेस के साथ अधिक घनिष्ठता नहीं रखने वाले लालू यादव अब कांग्रेस के करीब क्यों हो रहे हैं, और यहाँ तक करीब हो रहे हैं कि कांग्रेस के उराज को उन्होंने प्योर बिहारी मटन बनाने की तरकीब तक सिखा डाली। और वहीं देखा जा रहा है कि जहां लालू यादव की नजदीकियां कांग्रेस से बढ़ रही हैं, वहीं जो है वो नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो आनंद मोहन को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगे। श्री बाबू एक ऐसे समाज से आते हैं, एक ऐसे समुदाय से आते थे जिसे साधने के लिए कांग्रेस और लालू यादव दोनों कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, श्री बाबू भुनिहार समाज से आते हैं और यही कारण है कि बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष भी जो है भुनिहार के हाथों दिया गया है, और उसमें आज लालू यादव को बुलाने का मकसद है कि हम भुनिहार और यादव, भुनिहार वोटों पे यदि हमारी पकड़ बैठेगी तो हम यादव वोट तो लालू यादव के पास आई है। 2017 के बाद लालू यादव आज सदाकत आश्रम पहुंचेंगे और कांग्रेस के तमाम दिग्गजों से उनकी जो है आज मुलाकात होगी। वहीं लालू यादव के कांग्रेस से बढ़ती नज़दीकी को लेकर, जैसा कि हमने आपको बताया कि राजनीतिक जो हमारे पत्रकार हैं, जो जानकार हैं, वो यह बता रहे हैं कि यह रणनीति नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड को कमज़ोर करने की है। लेकिन नीतीश कुमार भी कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। इंडिया गठबंधन जो है, हम आपको ये भी बता दें कि इंडिया गठबंधन बनने से पहले नीतीश कुमार को जहाँ PM कैंडिडेट बताया था तमाम लोगों ने मिलकर, वहीं दूसरी ओर पटना की बैठक में लालू यादव ने राहुल गांधी को दुल्हा बनाने का भी बात कही थी। आपको याद होगा कि लालू जी को अपनी दाढ़ी मोछ छिलवा लेनी चाहिए, दुल्हा बनना चाहिए, हम लोग बाराती बन के जाएंगे। और उसी समय बिहार संवाददाता ने अपने न्यूज़ में कहा था कि ये इशारा ये है कि हम लोग बाराती बनने को तैयार हैं, लालू जी आप दुल्हा तो बनिए। यानी कि इशारों में ये था कि आप जो है प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, आप बनने के लिए तैयार होइए, हम आपके साथ हैं। यानी कि नीतीश को कमज़ोर कर रहे हैं लालू यादव, लेकिन उनके साथ भी हैं। तभी क्या नीतीश कुमार बार बार लालू यादव से मिलने जा रहे हैं, सीट शेयरिंग की बातें नहीं हो रही हैं और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं नाराज भी दिख रहे हैं। लेकिन आज लालू यादव कांग्रेस के इस कार्यक्रम में पहुंचकर साफ कर दिया उन्होंने कि कांग्रेस से उनकी नजदीकी बढ़ रही है। इसके अलावा भी जब आप देखिए तो कई मौकों पर नीतीश कुमार को प्रमोट करने के बजाय लालू यादव ने राहुल गांधी को प्रमोट किया। राहुल गांधी ने पूछा था पटना की बैठक में कि मंत्रिमंडल विस्तार कब हो रहा है, तो नीतीश कुमार ने लालू यादव के तरफ इशारा कर दिया था कि आप इनसे कहलवाइए, जब कहिए कह वो कहिए बनवा देंगे। लेकिन वो भी बातें ठंडे बस्ते में डाल दी गई थी। और ये जो राजनीतिक समीकरण बन रहा है, इस पर नजरें पूरे बिहार की हैं कि आखिर होगा क्या।
हम आपको बताते चले कि भूमिहार बोर्ड जिसकी मैंने बात की उसको साधने के लिए कांग्रेस की ओर से जो है वो श्री बाबू जो मुख्यमंत्री थे उनकी ये जयंती इतनी धूमधाम से मनाई जा रही है और इस जयंती के मनाने के पीछे कांग्रेस के तमाम दिग्गज भी जुटे हैं और भूमिहार वोट को साधने की कोशिश की जा रही है। अब नीतीश कुमार लालू यादव जो ये जाल बुन रहे हैं जेडीयू को कमजोर करने की जहां तक वो कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार कैसे अपनी पार्टी को बचाएंगे या लालू के शिकंजे से कैसे अपने आप को निकाल पाएंगे, क्योंकि जहां तक भाजपा अब ये कह रही है कि नीतीश कुमार दोनों दरवाजों के बीच में दौड़ते दौड़ते परेशान है, कांग्रेस लालू यादव परेशान है और नतीजा कुछ निकल नहीं रहा है। तमाम दिग्गज जुटेंगे, तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं और हम पल पल की कांग्रेस ऑफिस की खबरें भी आपको दिखाएंगे कि लालू यादव ने वहां क्या कुछ कहा है, तमाम दिग्गजों ने क्या कुछ कहा है और इस पूरे कार्यक्रम को आप बिहार संवाददाता के लाइव टेलीकास्ट में देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त।